हेलो गेडोज आज हम करेंगे क्लास फोर मैथ्स ओलंपियाड की इस बुक में से मॉडल टेस्ट पेपर वन क्वेश्चन नंबर इलेवन ऑनवर्ड्स लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर इलेवन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर बॉक्स इज थ्री सेंटीमीटर अब ये जो हमको फिगर दी है इसमें एक साइड बोला है थ्री सेंटीमीटर की है तो इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है क्या करेंगे कितनी साइड्स हैं हमको पहले वो काउंट करनी होंगी तो काउंट करते हैं साइड कितनी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्तर उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौतीस पैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस दस टोटल फोर्टी टू साइड्स हैं इसमें पैरीमीटर मतलब बाउंड्रीज़ का सम होता है ना तो टोटल फोर्टी टू साइड्स हैं एक साइड थ्री सेंटीमीटर की है फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाई थ्री थ्री टू थ्री फोर जो ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर होगा इसका बाउंड्री क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सिक्स रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ मेक अ शेप एज गिवन बिलो वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेप अब इस शेप का पेरीमीटर हमको निकालना है और यहां पे देखो ये साइड हमको दी है टेन सेंटीमीटर ये साइड दी है फोर सेंटीमीटर और ये वाली साइड है फाइव सेंटीमीटर तो पूरे फिगर में कितनी टेन वाली है कितनी फोर और कितनी फाइव वाली है पहले वो देखते हैं टेन सेंटीमीटर एक ये एक ये दो फिर उसके बाद एक ही नीचे तो टेन सेंटीमीटर वाली तो हो गई तीन फोर सेंटीमीटर वाली देखो एक दो फिर तीन चार पाँच छ सात आठ फोर सेंटीमीटर वाली हो गई आठ और फाइव सेंटीमीटर वाली देखो एक दो तीन चार पाँच छः फाइव सेंटीमीटर वाली हो गई सिक्स तो टेन वाली थ्री थी टेन मल्टीप्लाई थ्री थर्टी फोर वाली एट थी फोर एट से थर्टी टू और फाइव वाली सिक्स थी फाइव सिक्स थर्टी तो आप तीनों को प्लस कर दो और हमारा आंसर आएगा नाइन्टी टू सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ वी इंटरचेंज द सिंबल ऑफ रोमन न्यूमरल एक्स सी बाई हाउ मच द वैल्यू ऑफ न्यू रोमन नंबर विल बी इंक्रीज पहले तो एक्स सी होता कितना है रोमन नंबर में पहले उसकी वैल्यू देखते हैं एक्स का मतलब होता है टेन और सी का मतलब होता है हंड्रेड तो हंड्रेड से पहले अगर टेन लगाया तो मतलब नाइन्टी टेन माइनस कर देंगे हंड्रेड में से एक्स सी की वैल्यू होती है नाइन्टी अब अगर हम इसकी वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं सी के बाद एक्स लगाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हंड्रेड के बाद टेन आ रहा है तो हंड्रेड प्लस टेन वन हंड्रेड टेन अब वन हंड्रेड टेन में से नाइन्टी को माइनस करो तो इनका डिफरेंस आ रहा है ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेन सेवन इज added टू अ नंबर एक्स द रिजल्टिंग नंबर इज सेवेंटी सेवन द प्रोडक्ट ऑफ सेवन एंड द अननोन नंबर एक्स विल बी तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि सेवन इज एडेड टू अ नंबर एक्स सेवन में अगर हम x प्लस करते हैं तो आंसर आता है सेवनटी सेवन पहले x की वैल्यू निकालो x इज इक्वल टू ये सेवन प्लस का है इधर जाके माइनस हो जाएगा सेवनटी सेवन में सेवन माइनस कर दो अब बोला है अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं सेवन के साथ में तो क्या आंसर आएगा अब सेवनटी का मल्टीप्लाई कर दो सेवन के साथ में और ये आ गया फोर हंड्रेड नाइनटी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ फोर एंड नाइन इन द नंबर फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइनटी एट फोर तो थाउजेंड में पहले फोर की प्लेस वैल्यू देखो हंड्रेड थाउजेंड और नाइन की देखो यानी नाइनटी फोर थाउजेंड में से नाइनटी माइनस करो और हमारा आंसर आ गया थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड टेन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वेन थ्री बाय फाइव इज सब्रैक्टेड फ्रॉम अ फ्रैक्शन द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज यूनिट फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज बोला थ्री बाय फाइव को एक फ्रैक्शन नंबर से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आ रहा है ना उसमें डिनोमिनेटर फाइव है लेकिन वो यूनिट फ्रैक्शन है अब इसमें ऑप्शन में देखो सब में डिनोमिनेटर फाइव है लेकिन यूनिट फ्रैक्शन है मतलब न्यूमरेटर उसका वन है न्यूमरेटर वन होता है वो होते हैं यूनिट फ्रैक्शन तो ऑप्शन ए इज आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वेट ऑफ अ बैक पैक एंड अट केस ऑल टूगेदर इज ट्वेंटी एट के जी इफ द वेट ऑफ थ्री बैक पैक इज इक्वल टू वन सूट केस देन द वेट ऑफ सूट केस इज बोला है एक बैक पैक और एक सूटकेस का वेट जो है ट्वेंटी एट के जी है और दूसरी इक्वेशन बोलिए थ्री बैक पैक जो है वो एक सूटकेस के बराबर हैं तो हम सूटकेस इज इक्वल टू थ्री बी लिख सकते हैं ना अब इसको हम लगा देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में तो बैक पैक प्लस सूटकेस था ट्वेंटी एट के जी अब एक सूटकेस की जगह हम थ्री बैक पैक लिख सकते हैं तो थ्री बी प्लस बी इज़ इक्ल टू ट्वेंटी एट थ्री बी प्लस वन बी हो गया फोर बी फोर बैक पैक ट्वेंटी एट के जी इसके हैं तो वन बैक पैक हो जाएगा ट्वेंटी एट डिवाइड बाई फोर सेवन के का अब थ्री बैक पैक मिला के एक सूटकेस के बराबर थे तो सूटकेस का वेट थ्री मल्टीप्लाई सेवन ट्वेंटी वन के जी क्वेश्चन नंबर एटीन इफ द कॉस्ट ऑफ टेन लीटर ऑफ पेट्रोल इज रुपीज एट नाइन्टी देन द कॉस्ट ऑफ टू लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी अगर टेन लीटर पेट्रोल जो है वो एट हंड्रेड नाइन्टी रुपीज का आता है तो टू लीटर कितने का आएगा टेन लीटर एट हंड्रेड नाइन्टी वन लीटर की कॉस्ट निकालो एट हंड्रेड नाइन्टी को टेन से डिवाइड किया एट्टी नाइन रुपीज अब टू लीटर की कॉस्ट निकालनी है वन टू में नहीं जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे एटी नाइन को टू से मल्टीप्लाई करो वन हंड्रेड सेवेंटी एट रुपीज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वेन द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाई इवन प्राइम नंबर द क्वेश्चन विल बी हमको क्वेश्चन में बोला है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा वन जीरो 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 वन थाउजेंड वन थाउजेंड को बोला है प्राइम नंबर से डिवाइड करना है इवन प्राइम नंबर तो सबसे पहला इवन प्राइम नंबर होता है टू वन थाउजेंड को टू से डिवाइड करो और हमारा आंसर आएगा फाइव हंड्रेड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डिफरेंस ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज फोर सेंटीमीटर इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज फोर्टी एट सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी एडजेसेंट मतलब बराबर वाली साइड बोला बराबर वाली साइड का डिफरेंस अगर फोर सेंटीमीटर है इसका मतलब लेंथ माइनस ब्रेथ फोर सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं ये हो जाएगा फोर प्लस बी अब पेरीमीटर का हमको दिया हुआ है फोर्टी एट सेंटीमीटर यानी कि टू एल प्लस बी इज इक्वल टू फोर्टी एट अब ये टू यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो एल प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी एट डिवाइड बाई टू ट्वेंटी फोर एल प्लस बी हमको ट्वेंटी फोर मिल गया है अब इसमें अगर हम पहली वाली इक्वेशन से लेंथ की वैल्यू रख देते हैं फोर प्लस बी था ना फोर प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर अभी हो जाएगा फोर प्लस टू बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर टू बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर माइनस फोर एंड बी इज इक्वल टू ट्वेंटी डिवाइड बाई टू ब्रेथ आ गई टेन सेंटीमीटर और लेंथ क्या हमको दिया हुआ था एल माइनस बी इज इक्वल टू फोर यहाँ पर लिख देंगे एल माइनस टेन इज इक्वल टू फोर माइनस का टेन इधर जाके प्लस हो जाएगा लेंथ आ गई फोर्टीन लेंथ फोर्टीन ब्रेथ टेन एरिया हो जाएगा एल मल्टीप्लाई बी फोर्टीन मल्टीप्लाई टेन वन हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में अगले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय